हाय, चलो ले चलूँ एक और जगह आप लोगों को घुमाने। आंखें देख लो मेरी, ये मेरे मम्मी और पापा, इनके संग ही आज का ये सफर तय होगा। ये छोटू सा ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, जिससे हम सफर तय कर रहे हैं, ये पापा मैं हैं, और ये वो जगह जहाँ हम आए हैं। इसे कहा जाता है पायलट बाबा। ठीक है, लिखा हुआ है क्या? श्री पंच दशानन जूना अखाड़ा, आई डोंट, मुझे मतलब अच्छा अच्छा से पढ़ा नहीं मैंने। ये देखो, ये है एंटर, है ना? मम्मी को मैं फ्रेम में ले रही हूँ, आ जाओ हम इंटर करते हैं इस जगह पर, एक्सपीरियंस करेंगे क्या है क्या नहीं। आते आते मुझे क्या दिखाना? बहुत सारे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी, जो कि अच्छा लगा। यहाँ पर मैं मम्मी को कैप्चर कर रही थी कि मेरे फ्रेम में आ जाओ यार, ये भागी भागी जाके बैठ गई हाथी के नीचे। बताओ तो, कि रहा हाथी, और पीछे मेरे पापा भी हैं जो ढूंढ रहे हैं ना किधर किधर इधर किधर चाय मिल जाए। तो मैं यहाँ चिल्ला रही थी, चाय चाय, बताओ तो। देखो, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, एटलीस्ट अच्छी अच्छी थी, सब मूर्तियाँ बनाए गए थे, स्वतंत्रता सेनानियों को भी दर्शाया गया था, और कई सारे भगवान को भी दर्शाया गया था, कई सारे लोगों को भी दर्शाया गया था। तो आगे दिखाएंगे, फिलहाल जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें चप्पल जूते सब निकाल कर इस झोले में रखना होता है, इन्हें जमा करना होता है, क्योंकि ऐसा कंपल्सरी करा गया है। ये थोड़ा, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इसको मैनेज करने के लिए 3-4 लड़के ऑफ कोर्स लगाए हुए गए थे। तो हमने यहाँ पर अपने चप्पल जूते को रखा, रख कर इसे काउंटर पर जमा करा, और जमा करने के दौरान हमें कुछ पे करना था, ठीक है, जो कि पे दान पेटी में करना था। तो हमने यहाँ पर ये दिया, पापा ने दिया इसे रखने के लिए, हमें टोकन मिले, और यहाँ पर हम कुछ दान पेटी में दान करेंगे। तो चिल्लर मम्मी पापा ढूंढ रहे थे बट मिला नहीं, तो पापा ने 10 का नोट डाला आई थिंक, तो वहाँ के लड़के ने इशारा किया कि हाँ ठीक है। तो ये देखो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट, मतलब कह सकती हूँ कि इसका उद्घाटन तो हो चुका है, पर अभी भी इसमें काम बाकी है ना? हम जैसे ही आगे बढ़े ना, हमें रेड कारपेट मिला। बताओ, इतनी खुशी, इतनी खुशी, क्या कहें। तो हम यहाँ पर रेड कारपेट में चल रहे थे, और मैं हंस रही थी, मैं बहुत इतरा इतरा कर चल रही थी। ये मेरे मम्मी पापा के साथ मैं घूमने निकली। तो यहाँ आजू बाजू की जो सारी बिल्डिंग्स थे, ये बहुत अच्छे थे, मतलब जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं या जो रुकते हैं, उनके लिए एक अपना बिल्डिंग था जिसमें वो रहते थे, है ना? तो ये सारी नक्काशियाँ, मतलब बनाई गई थी, मूर्तियाँ बनाई गई थी, इसके अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो बाबा ने मुझे मना किया, बट हम कहाँ मानने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने चोरी छुपके कुछ वीडियो शूट करा था, जो कि मैंने पापा को बताया, तो पापा कह रहे हैं हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये थोड़ा बहुत शूट करा अंदर का, अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई थी। शिव जी का एक बहुत ही अच्छा सा मंदिर था, नंदी जी थे, तो नंदी जी के मैं कान में कुछ बोल रही थी, वो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हुआ, बट थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नज़र में आएंगी। ये देखिए, यही वो नंदी जी हैं, इनके कान में मैंने कुछ कहा। मुझ बताओ दा, मुझ बताओ। मस्त। घास दूब घास जैसे नोच के लाइव तो खाई उधर दूब घास। रुको, मैं दूब घास लाने जा रही हूँ इन खरगोशों के लिए। इच्छा है, शक्ति है, भक्ति है, तो दान करें, वरना रहने दें। और हम यहाँ घास कबार रहे हैं खरगोश को खिलाने के लिए। ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है, मे भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे खरगोश हैं और उतने खरगोश नहीं खा पाएंगे, बट थोड़े बहुत खरगोश में नींद भी खा सकते हैं। तो अब हम इतने घास को लेकर चलते हैं। क्या नज़ारा है, मेरे मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे थे घास। चलो उधर खेल आ जा, खा लिया खरगोश, तूने खा लिया।
यहाँ का माहौल काफी खुशनुमा लग रहा था, हवाएं ताजा ताजा बह रही थी और अच्छा लग रहा था। ओ तेरी ये तो झुंड लग गया। वो घास खा रहा। दा पापा इधर बेचारे को भूखा बा। लो ए मारेंगे ना तुम लोगों को, इसका है। ए हट मार मार। लो जी तो जी तुम व्हाइट वाले ले लो। और ये सब चीन के बाद अब बेचारा व्हाइट वाला की आंख एक देखो आंख कमजोर हो गया। वो मेरे पापा लोगों को ये लोग परेशान कर रहे हैं, बोल रहे मुझे दो तो मुझे दो तो मुझे दो। इसको खिलाएंगे और तुरंत आकर झपटेगी। देखो 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 उसके मुंह से निकाल ले रही है। ऐसे मेरी मॉम और डैड के साथ आज का ये दिन बहुत ही अच्छा लगा, मतलब अच्छा लग रहा था। आसपास के व्यूज भी बहुत अच्छे थे, व्यू कह सकते हैं, हरियाली थी, रंग बिरंगा माहौल था। देख रहे हो मुझे नहीं, आसपास के एरिया को देखो। आसपास की हरियाली के साथ साथ ये ऊपर का जो आसमान था ना, वाव जस्ट वाव है ना। कई सारे अच्छे अच्छे इमारतें थीं जहाँ पर लोग रहा करते थे, जो इस कंस्ट्रक्शन मतलब जो इस एरिया की देखभाल करते हैं हम कह सकते हैं। बहुत सारे लोग घूमने आए थे, ये विश्राम का एरिया था जहाँ पर लोग थक जाएं तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये आसपास का एरिया है जहाँ पर शेर बनाए गए थे, पापा यहाँ पर माता रानी के साथ फ़ोटो ले रहे थे और ये शेर के साथ दो दो शेर और शेरनी और एक मैं शेर शेरनी की बच्ची। चलो अब आगे लेकर चलती हूँ, आगे का माहौल भी ना बहुत मजा आएगा आपको। ये मेरे मम्मी पापा के साथ, मैं खुद बताओ मेरे मम्मी को बैठना भी मेरे पापा सिखाए। वेरी फनी मोमेंट। हाँ कहाँ, एक और चीज दिखा रही हूँ। कोई नहीं बना रहा है तो ये रही मैं। आ जाओ अब इस एरिया के और ब्यूटीफुल पार्ट से आप सभी को रूबरू करवाऊं। ये देखो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव गाइज। वैसे ये फोन मेरा नहीं मेरे भाई का था, तो उसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा लो है तो लो तरीके से शूट हुआ है, वरना अगर ये मेरा फोन होता ना बहुत मस्त तरीके से कैप्चर करता इन चीजों को, है ना। ये देखो महात्मा बुद्ध को यहाँ पर मेन मतलब स्थान दिया गया है। कहा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं हर जगह दर्शाई गई हैं। महात्मा बुद्ध और शंकर भगवान, दो भगवानों को यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है और उनके बेसिस पर ये सारा बनाया गया है। ये एक कह सकते हो कि अच्छी चीज़ बनाई गई है, जो लोग आएगा देखेगा घूमेगा, मतलब पर्यटन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। कई सारे उपदेश भी दिए गए हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध को लेकर, जो कि आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, प्रतिमाओं के हिसाब से दर्शाया गया है। ये अंदर का भाग है जिसे कहा जाता है शयन कक्ष, मतलब जहाँ पर वो सोएंगे, है ना। यहाँ पर आपने देख लिया और ये रहे। तो साथियों यहाँ मैं हवा खाते हुए, यहाँ ना सत्यलोक को दर्शाया गया है, देखिए आप लोग। और ये छठ पर्व के लिए बनाया गया एक छोटा सा तालाब है जहाँ पर कई सारे घाट भी बनाए गए हैं, है ना। और चलो आज के ब्लॉग को यहीं हम एंड करते हैं दोस्तों। ब्लॉग पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना आगे के अपडेट के लिए। ओके बाय।